अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। टाइम कुछ ये है कि फजर का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो हम लोग नमाज की तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो व्लॉग है वो है हमारी डेली रूटीन। तो यहाँ पे हिरा अपनी नमाज पढ़ी है, मैं अब वज़ू करने के लिए जा रही हूँ। आप लोग बताएं, आप लोगों ने फजर की नमाज पढ़ ली? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैंने यहाँ पर नमाज़ पढ़ ली है और आमना अब नमाज पढ़ रही है। जी फ्रेंड्स, ये मैं ऊपर अपस्टेयर्स की तरफ आई हूँ और आप सुबह सुबह का मंज़र देखें, कितना ही माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। और ये ऊपर की तरफ अबू जहाँ पर तलावत कर रहे हैं, मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ विंडो के पास और आपको यहाँ से मैं व्यू दिखा रही हूँ। ये हमारे सामने घर है, बहुत प्यारा सा। आमना क्या कर रही हो? हम चिड़ियों को पानी डालने के लिए जा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा ठीक, लाइट जलाइए। हाँ। जी जनाब, तो अब हम सबसे ऊपर जा रहे हैं और चिड़ियों को पानी देंगे। अल्लाह ताला छोटी छोटी नेकियों से क्या पता हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, तो अल्लाह ताला बस हम सबको नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी फ्रेंड्स, तो हम छत पर आ गए हैं। और जी चिड़ियों के लिए पानी रख दिया है। जी अब्बू डाल दिया। आपने नमाज पढ़ ली? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो यहाँ पे 5:15 हो गए हैं। मैं और अम्मी इस टाइम जाते हैं वॉक पे, तो मैं वॉक के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। हिरापी आप चलोगी? जी यार, मैं आपके साथ जाऊंगी। कीज ले ली आपने? यस। चलो आओ, फॉलो मी। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग वॉक के लिए निकल गए हैं। हिरापी, आप इतना तेज चलेंगी, मेरा इंतजार भी नहीं करेंगी। अबू किधर रह गए? अबू जी वो आ रहे हैं। दोस्त मिल गए अबू को। यो नूरुलैंड, वी आर मिसिंग यू। हमारी एक बहन, आप लोगों को जैसे पता होगा, मस्कत में होती हैं, तो हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और अपने छोटू अजलान को भी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पूरा एक साल वो हम लोगों के साथ रही हैं। तो फिर कोविड की वजह से वो जा ही नहीं सक रही थी, तो अब वो फाइनली चली गई थी 31 दिसंबर को। हाँ जी आमना, आप क्या कहेंगी मॉर्निंग वॉक के बारे में? मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए और रिफ्रेशिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह वॉक करना। तो बस मैं यही कहूँगी, वॉक बहुत अच्छी है, वॉक करनी चाहिए। जी जी फ्रेंड्स, बंदा बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपनी डेली रूटीन में और एक ही जैसी रूटीन जो होती है वो बंदे को बहुत ज़्यादा फेडअप भी कर देती है। तो जाहिर है आप लोग अपनी लाइफ में मॉर्निंग वॉक को मस्ट ऐड करें। मॉर्निंग वॉक आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और जैसा कि कुछ लोग मॉर्निंग में नहीं निकल सकते, तो वो शाम में अपने आप के लिए फारिग वक्त निकालें जिसमें वो अपने आप को फ्रेश करें, अपने माइंड को रिफ्रेश करें। और ये बिल्कुल सामने हमारे पार्क आ रहा है, हम वहाँ पर जाएंगे और थोड़ी सी वॉक करेंगे। हाँ जी, तो बस अल्लाह ताला बस अपना करम रखे हर तरफ। अब्बू आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, देखो। और यहाँ पर एक बाजी हैं जो आई हुई हैं हम लोगों के आने से पहले, वो भी यहाँ पर वॉक कर रही हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने सिर्फ पूछा ही था अपनी सिस्टर से कि इस साइड पर क्या है, तो अब्बू हमें कह रहे हैं कि इस साइड पर आओ, मैं लेकर चलता हूँ। तो अब्बू के पीछे पीछे हम दोनों हैं। नूरुलैन अभी होती तो हम उसको, वो भी हमारे साथ होती। अब वो कह रहे हैं साइड पर आओ तुम लोग, तो देखो इस व्यू को, इसको कैप्चर करो।
अपने फ्रेंड्स को भी दिखाओ। जी 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 फ्रेंड्स, तो आप ये देखें इस साइड पर कुछ इस तरह का व्यू है। जी जी, अब वो कह रहे हैं फ्रंट से लो, कैप्चर करो। यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है ना, तो फिर वो भी है। आमना कहाँ रह गई? जी ये रही। आगे देखना। जी जी अब्बू, जी जी, ये नाव में वीडियो बनाते बनाते अल्लाह ना करे। यहाँ हीरा पे और मुझे हुआ कि ये हम पींग ले लें। हम ये यहाँ पे हमने कहा बचपन की यादें ताज़ा कर लें थोड़ी सी। जी आमना यहाँ पर एंजॉय कर रही हैं। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अब हीरा पे भी पींग ले रही हैं। जी तो बस फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया है, मज़ा आया हमें वॉक में, है ना हीरा पे? हाँ जी। अब्बू भी बैठे हुए हैं, क्यों अब्बू? बस अब घर जाएंगे और फिर जो फर्दर क्लिप्स होंगे वो हम आपके साथ साथ शेयर करते रहेंगे। और अब जाके हमने अम्मी को उठाना है। हाँ जी, देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं, नमाज पढ़ के दोबारा सो गई या उठी हुई हैं। शहद ऐड करेंगे और अभी हम वॉक कर आए हैं, तो फिर हम ये पियेंगे नीम गर्म पानी में शहद डाल के। तो मैं आपके सामने ये मिक्स करती हूँ। आमना भी पिएगी और मैं भी पीऊंगी। जी पानी पिए हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब्बू ने कहा कि बेटा अब नाश्ता कर लेते हैं, तो हम लाइट सा नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर मैं स्लाइस को लाइट सा फ्राई कर रही हूँ। वैसे तो अब टोस्टर में टोस्ट हो जाते हैं, लेकिन अब्बू को बहुत ज़्यादा हार्ड पसंद नहीं है। फिर अब्बू ने कहा बस बेटा आप ना इसी तरह सिंपल तरीके से कर लो, और मुझे भूख लग रही है, तो वो वेट कर रहे हैं। बस हम यहाँ पर स्लाइस को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं और फिर मैं अंडे बनाती हूँ। जी चाय रेडी है और आमना यहाँ पर चाय कप्स में निकाल रही है। जी तो अब हमारा नाश्ता रेडी है, हम अब अब्बू के साथ नाश्ता करेंगे। तो अब बारी आ गई है, हमने नाश्ता कर लिया है, अब बारी आ गई है किचन समेटने की, बर्तन धोने की। जी आमना यहाँ पर चूल्हा साफ कर रही है और फिर साथ ही वो काउंटर साफ करेगी। आमना अब अपना बेडरूम करेंगी साफ और यहाँ पर आमना चादर तय कर रही हैं। साढ़े 12 हो रहे हैं और हमने कहा थोड़ा सा फ्रेश जूस पी लिया जाए, तो यहाँ पर आड़ू को कट किया है और अब मैं आड़ू का जूस बनाने लगी। यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, तीन ग्लास आई थिंक मैंने लिया है, और अब मैं इसमें ये आड़ू ऐड कर रही हूँ। चीनी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करनी है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीनी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा हम यहाँ पर काला नमक भी ऐड करेंगे।
फ्रेंड्स, तो जूस रेडी हो गया है और अब इसको मैं ग्लास में निकाल रही हूँ। मैंने आइस इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि पानी ऑलमोस्ट ठंडा था। लंच में हमने बिरयानी खानी है और बिरयानी बनाई है आमना ने, वो भी स्पेशली मेरे लिए, कि हिरापी आप आई हुई हो तो फिर मैं आपके लिए लंच में बिरयानी बनाऊंगी आज। साथ हमने आम निकाल लिए हैं और रायता भी तैयार कर लिया है और बस अब हम खाना खाने लगे हैं। तो आप लोग बताएं आप लोगों ने आज लंच में क्या खाया। हमने कोल्ड ड्रिंक भी साथ निकाल ली है, अब हम अपना लंच इंजॉय करेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी रहमतें और उसकी बरकतों का जितना शुक्र अदा करें कम है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।